अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार श्री शिव त्रिवेणी मंदिर में रात्रि को मनाया गया। बहुत सुंदर झांकियों का दर्शन मंदिर में कर लोगों ने आनंद माना। 10 से 12 बजे तक हरि नाम का संकीर्तन किया गया। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद भोग लगाया गया। की नाम है तो कैलाश गढ़ श्री शिवलिंग त्रिवेणी मंदिर कमेटी वालों जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम मनाई गई। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम मनाई गई। रात 12 बजे तक संकीर्तन किया गया, सुंदर झाकियाँ दिखाई गई, भी लख लख बधाई दें असं सब बहुत बहुत शुभकामना। रोल हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? पंडित सुधाकर भट्ट जी। क्या कहना चाहते हैं जन्माष्टमी जी? कृष्ण जन्माष्टमी त्रिवेणी मंदिर में बहुत अच्छे ढंग से हमने मनाई है और बड़ी धूमधाम से, कोई बिना कोई बाधा कोई कोई कलह सुंदरता से रहा सब, उसने हर्षोल्लास खुशी से पर्व मनाया भगवान की जन्म। भोग 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 तो छप्पन भोग, हाँ छप्पन भोग शाम को 6 बजे से लगाया गया है। प्रोग्राम असं शिवलिंग त्रिवेणी मंदिर कमेटी वालों हर साल करते हैं, इस साल भी किया गया, जिहड़ा कि बहुत श्रद्धालुओं के आने नाल इत्थे बहुत रौनक रही। छप्पन भोग लगाया गया भगवान को, जन्माष्टमी का साढ़े हिंदुओं वास्ते बहुत बड़ा त्यौहार है, इस करके सब बहुत यही अपील है भी वो तो वह आके मंदिर की शोभा बढ़ाओ। बस भूषण कुमार बंसल जी की कहना चाहिए जन्माष्टमी के मौके श्री श्री शिवलिंग त्रिवेणी मंदिर कमेटी वालों जो त्यौहार है हर साल की तरह ऐतकी भी बहुत धूमधाम नाल मनाया गया, जिदे विच केक कटिया गया और अपना कीर्तन किया जाता है, हर बारी ऐतकी भी किया गया और छप्पन भोग भगवान को भोग लवाया गया। मतलब साढ़े अनिल मित्तल प्रधान जी की अगुवाई हर साल ही असं करते हैं और इस तरह ही करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।